अब बागेश्वर जी को मत डांटिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो किसकी, तेरी गलती है? नहीं। तो किसकी गलती है? आपकी दुकान की। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोनिका भदौरिया का जीवन परिचय के बारे में। हम आपको उनके बारे में बहुत सी जानकारियां देंगे, तो आइए जानते हैं और उनके बारे में। 1 नवंबर 1998 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जन्मी मोनिका भदौरिया एक प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री है, जिन्हें धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बावरी की भूमिका को निभाने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, हमें उनके माता पिता एवं परिवार के बारे में बहुत अत्यधिक जानकारियां प्राप्त नहीं हुई है, परंतु इतनी जानकारी प्राप्त हुई है कि उनकी एक बहन है जिनका नाम पूजा भदौरिया है। मोनिका को बचपन से ही अभिनय और मॉडलिंग का बहुत शौक रहा है एवं वह अपने स्कूल के समय में भी होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करती थी। मोनिका भदौरिया की शिक्षा। मोनिका भदौरिया ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गृह नगर के एक निजी स्कूल से प्राप्त की है और उन्होंने कक्षा 12वीं ताकि शिक्षा ही प्राप्त की है और 12वीं तक की शिक्षा को ग्रहण करने के बाद उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए अपनी शिक्षा को यहीं पर विराम दे दिया। मोनिका भदौरिया के बॉयफ्रेंड। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि खूबसूरत और प्रसिद्ध अभिनेत्री मोनिका भदौरिया का अभी तक विवाह नहीं हुआ है और इसके साथ ही दोस्तों उनके बॉयफ्रेंड के बारे में भी कोई खबर प्राप्त नहीं हुई है और ना ही उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में किसी भी प्रकार का कोई जिक्र किया है। मोनिका भदौरिया का करियर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मोनिका को बचपन से ही अभिनय का शौक रहा है और इसीलिए उन्होंने कॉलेज के समय में एक सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था जिसमें वह विजेता रही और उन्हें काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में अपने करियर को बनाने की सोची और है मुंबई की ओर अपना रुख किया। यहां आकर उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज दिए परंतु वह सफल नहीं हो पाई, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और वह लगी रही। इसके बाद उन्हें वर्ष 2011 में धारावाहिक यह रिश्ता क्या कहलाता है में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने अपने केदार को बढ़ी हुई बखूबी के साथ निभाया। इसके बाद उन्हें वर्ष 2013 में सब टीवी के धारावाहिक तारक मेहता में काम करने का अवसर मिला और यहां उन्हें बाबरी कानों को प्रिया की भूमिका को निभाना था। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने वर्ष 2014 में आई फिल्म सिंघम रिटर्न में भी काम किया है और इसके बाद वह धारावाहिक नागिन में भूमिका निभाने का मौका मिला। मोनिका भदौरिया के टीवी सीरियल्स, कई ब्रांड के ब्रांड एंबेसडर भी हैं। मूवीज के नाम है यह रिश्ता क्या कहलाता है 2011, तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2013, सिंघम रिटर्न फिल्म 2014, इस प्यार को क्या नाम दूं और नागिन है। मोनिका भदौरिया की कुल संपत्ति। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय अभिनेत्री मोनिका भदौरिया की कुल संपत्ति $1 मिलियन है, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग ₹8 करोड़ होती है। मोनिका भदौरिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्य। मोनिका का जन्म और पालन पोषण मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ है। मोनिका को बचपन से ही अभिनय का बहुत शौक रहा है और वह स्कूल के समय में भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करती थी। उन्होंने अपने कॉलेज के समय में एक सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, वह उसकी विजेता बनी थी। मोनिका शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है और वह करीना कपूर को बहुत पसंद करती हैं। मोनिका कई ब्रांडों के विज्ञापनों में भी कार्य कर चुकी हैं और कई ब्रांडों की ब्रांड एम्बेसडर भी है। वह अपने आप को फिट रखना पसंद करती है और इसके लिए कठिन वर्कआउट करती है। मोनिका टेलीविजन और फिल्मों के अलावा थिएटरों से भी जुड़ी रही हैं। वह एक धार्मिक महिला हैं और भगवान गणेश में गहरी आस्था रखती हैं।